ये हाथी नीचे खड़ा होता है, यहाँ से राजा हाथी पे बेड पे बैठ जाते थे। अच्छा, मतलब एलिफेंट डाउन महाराज ऊपर बैठ जाते, यहाँ से बैठते थे। और ये राजा के सिपाही खड़े होते, बॉडी गार्ड रूम, सैनिकों के कमरे, ये सभी। बच्चों को ले लिया, बच्चों को ले लिया, बच्चों को ले लिया, लिया नहीं नहीं। हाँ ठीक है, बच्चों को नहीं रखता। एंट्री कर दे यार। हाँ एंट्री कर दो, नाम लिखो, अब इसमें सवारी सब दिखाएंगे, झूला करे, फांसी करे, स्विमिंग पूल है, बेडरूम है, डांसिंग हॉल है, सब बारी एक ही चीज़। टेलीफोन है 5, एक कमरे से बोलो तो दूसरे कमरे तक आवाज़ जाती है, यहाँ से बोलेंगे हाँ लो रानी नंबर 5 कोड नंबर होते थे ऊपर तक। दीवारों के भी कान होते हैं, कहावत है ना वो सही होती है, वो कहावत सुनिए, राजा करे तो राजशीला और करे तो करकट इलाज। मतलब राजा समझ, अब राजा पटियाला को देखो 300 सर दी हुई वो उधर जरा बनया एक और सराली कोई मुझे पार्टी मिले तो ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ ये देखो सराली मेरी गल सुनो, इसमें देखो दो महिला दो गर्ल डांस कर रही है, दो जनानियाँ डांस कर रही है ऊपर, इसको हम लोग डांडिया बोलते हैं और गुजराती में इसको गरबा बोलते हैं। अच्छा, जिनमें रानी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रानी, तीन रानी एक एक रानी साइड में। क्या बोलेंगे पंजाबी में, ये 8 रानियाँ क्या करती थी, संगीतकार को देख सकती थी, सुन सकती थी, संगीतकार रानी को नहीं देख सकते। संगीतकार का नाम है बैजू गावरा। ये देखो पहला डांस हो रहा है ढोल के लेके, हाँ दूजा जो हो रहा है देखो सारे के लेके, तीजा जो हो रहा है श्रोता, ये इसको डांडिया डांस बोलते हैं। और ये देखो ये कौशल है, इसको जीवास बोलते हैं। ये हजारों साल पेड़ पौधे होते हैं ना जमीन के अंदर दब जाते हैं, कुछ नहीं, ये मुटेगा नहीं, ये बॉस, ये जीवास नहीं, ये कुदरती डिजाइन है। और ये कुंडिया देखते ना छोटे लगाएंगे, और ये पूरा स्टॉन देखते हैं सैन स्टॉन है, मतलब रानी को उसमें भाग रखते हैं, क्योंकि पहले लड़ाइयाँ सब जनानी की वजह से हुई हैं, और जनानियाँ बहुत सुंदर थी पहले, और अभी तो राजा 9-9, 10-10 जनानी शादी करते थे, तो इसलिए राजाओं को रानियों को हमेशा छुपा कर रखना पड़ता क्योंकि उस समय पर्दा पड़ता थी। हाई ये सर राजा का दरबार है सर, यहाँ सभा लगती थी, और यहाँ देखो रानियाँ होती थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ राजा बैठता था। अच्छा, देखो राजा की बालकनी, और ये कलर देख रहे हैं 500 साल पुराना कलर है, मीना कलर, ये सोने चांदी पे होते हैं, चांदी और सोने पे होता है। ये रिंग देख लें पर्दे लगाने के लिए, क्योंकि पहले समय में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दा लगा कर ये राजा के मेहमान होते थे। और ये मोर देख लें, ये खुशी का रिंग है, खुशी होती है, डांस कर रहा है एक, देखो दूसरा मोर जो है, और ये लड़ाई का चेहरा देख लें हाथी का है, बॉडी देख रहे हैं सेठ की है, पैर देख रहे हैं हॉर्स की। देखो हाथी अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, देखो हाथी की सूंड है, बॉडी देख रहे हैं सेठ की है, गर्दन देख रहे हैं मगरमच्छ की, पैर देख रहे हैं हॉर्स के। हॉर्स बहुत दौड़ने वाला होता है, मगरमच्छ बहुत दिमाग वाला होता है, और शेर बहुत फुर्ती वाला होता है, हाथी बहुत पावरफुल होता है। जो माला होती है रुद्राक्ष गले में डालते हैं, और ये देखो तुलसी के वो कमल के फूल हैं, ये देखो तुलसी के पत्ते हैं, विष्णु जी का चक्र है, ओम बना हुआ है, और कमल का फूल है, अगल बगल हाथी है, और ये देखो राजा का मुकुट है, क्राउन, ये मुकुट है डिजाइन। और ये देखो सनफ्लावर है, इसमें चार बड़े होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम होता है क्षेत्र की रक्षा करना, वैश्य का काम होता है बिजनेस व्यापार करना, शूद्र काम सेवा, पांच तत्व होते हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पांच तत्व। ये तीन लोग होते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा वाइफ सरस्वती जी, विष्णु वाइफ लक्ष्मी जी, शंकर पार्वती। और ये देखो हाथी के सूंड है, दांत मगरमच्छ की, आंखें गाय की, पैर देखें टाइगर के, बॉडी देखें फेस की। हाँ ये परिक्रमा लगाने के लिए, ये कौन सा परिक्रमा लगाने के लिए, ग्राउंड लगाने के लिए ऊपर को, नहीं नहीं परिक्रमा मंदिर, मंदिर है ये मान मंदिर। अच्छा अच्छा, इनमें हीरे लगे होते थे, हीरे मोती, ये सब अंग्रेज चुरा के ले गए। अच्छा, और ये कुंडिया देने पर्दे लगाने के, ये राजा का मंदिर है सर, पूजा घर, पूजा घर में उन्होंने बेडरूम बना दिया, और इनमें रब होते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके पीछे परिक्रमा लगाने के लिए। ठंडी की नहीं है, ये जो मंदिर था मुगलों ने सिर्फ बेडरूम बना दिया, अंदर तो नहीं जाना सर, चेहरा निकाल के फोटो निकालना हो, नहीं नहीं
बहुत बंदा आपने भी छोड़ दिया। आप चले बुलबुलिया के अंदर, ये बुलबुलिया के अंदर इधर को, हाँ इसके अंदर क्या खाना है। ये देखो सर आज यहाँ पर फ्लावर लगे होते हैं फूलों की माला, ये राजा का लाइफ बैग रूम है। यहाँ क्या काम है? यहाँ क्या था? लाइफ बैग रूम, बुक स्टोर रूम, और ये राजा का स्टडी रूम है। ये जगह इनमें शीशे होते हैं, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, वेंटिलेशन, रोशनदान, हवा और लाइट आती थी। और ये रानी के बेडरूम है। यहाँ से रानी दरबार देखती थी, दीवानियाँ यहाँ सवाल रखती थी, यहाँ राजा बैठते थे सर। यहाँ से रानियाँ देख सकती थी, सुन सकती थी, रानियों कोई देख नहीं सकता था क्योंकि पहले छुपा कर रहते थे, वहाँ बैठता था राजा। हाँ राजा, ये दरबार है दीवानियाँ, पब्लिक ऑडियंस। हाँ सर बचा गया ना बोले। अभी यहाँ शूटिंग हुई थी लोका शूटिंग की। तो भैया आप चले भूल भुलैया के अंदर, ये झूला घाट फांसी घर अंदर है। आ जाइए मशाल लगाने के लिए, लैंप लगाने वास्ते। पहले लाइट नहीं थी, मशाल को एक दो आई। ये देखो यहाँ से हवा और लाइट आती थी, यहाँ से हवा और लाइट आती थी, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती थी। इधर से आती है, इधर से आती थी, इधर से जाती थी। इनमें शीशा लगा था, शीशे से रिफ्लेक्ट होके जाती थी। शोर दे करना, इधर से जाती थी, इधर से वापस जाती थी। ये देखो सर रानी, यहाँ रानियां क्या करती थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ रानी होते थे। ये 15वीं शताब्दी में झूला करता था, 16वीं शताब्दी में जेल, इसमें दारश को, दारश को भाग गया था, और दारश को हरगोविंद साहब की शरण में गया था। दारश को दिल्ली में मार दिया पकड़ के, और पहले ये झूला करता था 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जेल, 17वीं शताब्दी में फांसी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप लगा था। औरंगजेब ने छोटे प्राय को यही मारता, औरंगजेब उसका नाम था मुराद। तो ये झूला घर, जेल घर, फांसी घर। ये देखो टेलीफोन, ये 500 का बड़ा टेलीफोन है, ये टेलीफोन है। हाँ एक से बोलते थे, एक से सुनते थे। अच्छा यहाँ सर टेलीफोन 3 मंजिल नीचे भी है। जॉन से जाता कहाँ था टेलीफोन? 3 मंजिल नीचे रानी के रूम में। अच्छा हेलो रानी नंबर 2 हाजिर हो है ना, ये झूले के फोटो ली। हाँ हाँ ले ली, आपका फोटो निकाल लिया निकाल। ये देखो दरवाजे में पर्दे लगे थे, जो अंदर आता था इजाजत लेके अंदर आता था। अच्छा। बिना इजाजत के आया था मुलाजिम खड़े होते थे, गलती से आया तो मुलाजिम का सर काट देते, इसलिए मेरे साथ दरवाजे छोटे होते थे। ऐसे तो कोई भी रानी को मार चला जाएगा, ये सेफ्टी के लिए होते थे, सुरक्षा के लिए। जो अंदर आता था ये जगह दरवाजे मतलब इजाजत दे देंगे। ये आते थे प्रकाश के लिए, यहाँ से लाइट आती थी, सनलाइट रोशनी हवा। ये किधर को जाती है नीचे? ये रानी का बाथरूम में दिखाऊंगा अंदर, स्विमिंग पूल। ये देखो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर, क्योंकि रानियों को देख नहीं सकता। पहले कन्नर होते थे, छक्के खड़े होते थे, छक्के कुछ कर नहीं सकते, इसलिए राजा महाराजा उन पर विश्वास ज्यादा करते थे, क्योंकि पहले छुपा कर रखते थे ना। ये पहली मंजिल है, ये दूसरी अब जा रही है, अब दूसरी मंजिल में चल रही है, दूसरी में चल रही है। यहाँ से रानी राजा को देखती थी, ये रास्ता देखा, ये बंदा आ रहा है, यहाँ से राजा आते थे, जाली थी सर टूट गई, इस जाली में से झांक के रानी या राजा का इंतजार करते थे, इधर से आते थे। हाँ यहाँ से, यहाँ पे झंडा लगा होता था, ये देखो ये लोग भी पड़े ना झंडा लगाने के लिए। यहाँ भी शूटिंग हुई थी लुका छुपी की, कलंकी हुई थी। और रिवल वो देखो टावर से नाल देखना, टावर से नीचे, टावर से नाल वो मोहम्मद गौतम मकबरा, तानसेन के गुरु। ये दूजे गुरु थे, पहले गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, पहले दूजे गुरु का नाम था मोहम्मद गौतम। अच्छा ये तानसेन हिंदू थे सर, उनका नाम था राम गुरु पांडे। यहाँ पर उनका सर आज पूछने वाले, अच्छा अच्छा, और यहाँ पर पहरेदार खड़े होते थे तलवार लेकर, और जो अंदर आता था ना सर यहाँ से रोशनी हवा अंदर जाती थी, सब व्यवस्था थी, इनको सिर्फ आ जाती थी पर्दे के अंदर रहना, खाना बनाना सब। पहले रानी को हमेशा छुपा के रखा जाता था, थर्ड फ्लोर को।
पानी खोल रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है। पानी आता है यहाँ, रानिया कैसे से स्विमिंग करती थी। और ये देखो टेलीफोन, ये देखिए ये टेलीफोन। हेलो हाजिर हो, खबरदार होशियार, रानी नंबर 5 प्लीज कम डाउन है ना। और ये देखो डिजाइन, और राजा के मरने के बाद रानिया सती हो जाती थी, आग में कूद जाती थी। वो होता सती होता राजा के साथ, राजा जब मर जाते थे रानिया आग में कूद जाती थी। हाँ इसमें पानी वहाँ से आता था, ये बहुत बड़ा। ये देखो सरार जी, मतलब ये रोशनी के लिए, ये हीरे जैसा डिजाइन है, डायमंड कट, इसमें शीशा लगा होगा रिफ्लेक्टर, शीशे के साथ लाइट आती है। आपका दूजी साइड दी आए ही। ये देखो सरार जी, ये देखो घुंगरू का डिजाइन है, झांझर झांझर बनी हुई। यहाँ पे डांस है, क्या करती थी झांझर पहन के डांस करती थी, डांस और यहाँ कुएं के अंदर। और ये देखो गमले टाइप के कमल के फूल हैं सर। और ये देखो ड्रैगन बना हुआ है, ये देखो ये घुंगरू बने हुए अंदर आएंगे। हंसती हो मेरा दीवाना, तुम्हें याद करेगा जकारा लाने के बोले सुनने वाला है मुंडा। आप पंजाबी बोलो थोड़ा, बोले सोनहाल सस्त्री अकाल। जकारा तो चाहिए था एक पंजाबी गाने का। ये राजा का बेडरूम है सर, मैजिशियन भी चंगे खाते हो ना एक मतलब राजा, ये राजा का बेडरूम है, राजा मतलब नाचने गाने के बाद विश्राम करने आते हैं, यहाँ पर्दे होते थे। अच्छा। और यहाँ मुलाजिम खड़े होते, जब किसी को बुलाना ताली मार के बुला लो। ये देखो सूरज की किरणें बनी है, सूरज के बजाय बहुत अच्छे फोटो साफ होंगे। ये देखो सर ये कूलर है, यहाँ पे पंखा लगा होता था, एक पंखा है एक पंखा पल्ली साइड वाला घूमेगा तो अंदर वाला उसकी आवाज़ें सुनता था। यहाँ बर्फ में अंदर पानी फंस के ऊपर, ये समय कूलर है एक, ये दूसरा कूलर है। और यहाँ से देखो ठंडी ठंडी हवा, ये राजा का बेडरूम है। और ये राजा का ड्रेसिंग रूम है सर, ठीक है।